Good morning friends, today we will learn about elimination method in 10th standard subject math chapter 3 pair of linear equation in two variable. तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग इलिमिनेशन मेथड की बात कर रहे हैं. तो इलिमिनेशन मेथड के थ्रू कैसे इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है, उसका सलूशन कैसे फाइंड करते हैं, उसे हम लोग सीखेंगे. तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, यू हैव टू इक्वेशंस. फर्स्ट इक्वेशन इज एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव एंड सेकेंड इक्वेशन इज टू एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू फोर. तो इन्हीं दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है हमें किस मेथड के थ्रू, इलिमिनेशन. इलिमिनेशन की मीनिंग होती है किसी एक वेरिएबल को इलिमिनेट कर देना, मीन्स उसको हटा देना, वहाँ से फिनिश कर देना. तो अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ये देखेंगे एक्स का कोएफिशिएंट क्या है. यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, सेकेंड इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है. हमें ये चेक करना है कि दोनों इक्वेशन में कौन से वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम है. तो अब हम लोग वाई का कोएफिशिएंट चेक करेंगे. यहाँ पे 1 है, सेकंड में देख रहे हैं इसमें -3 है. तो किसी भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम नहीं है. अगर सेम नहीं है तो उसको हम लोग सेम करेंगे. तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट सेम कर लेते हैं. तो हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाई टू. टू मीन्स टू नंबर. टू से हमें किस में मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन वन को. क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन टू में यक्स का कोएफिशिएंट 2 है और यहाँ पे यक्स का कोएफिशिएंट 1 है. तो अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे यक्स का कोएफिशिएंट 2 आ जाएगा. तो 2 मल्टीप्लाई बाई आपका इक्वेशन 1 है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5. अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 25 जा 10. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. अब आपको पता होगा कि इस यहाँ पे इक्वेशन 3 आ गया और इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को कंपेयर करें तो देखें यहाँ पे x का कोएफिशिएंट सेम आ रहा है. तो ओके दोस्तों, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इलिमिनेट करेंगे किसी एक वेरिएबल को. इलिमिनेट कैसे होगा, अगर हम लोग इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वाला वेरिएबल पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा. तो यहाँ पे आप राइट करोगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन टू. अब फ्रॉम के बाद जो इक्वेशन है उसको पहले राइट करेंगे 2x माइनस 3y इक्वल टू 4. इसके बाद इक्वेशन 3 को राइट करोगे आप 2x प्लस 2y इक्वल टू 10. सब्ट्रैक्ट करना है तो इनकी साइन चेंज हो जाएगी, साइन चेंज हो गई. अब ये माइनस 2x प्लस 2x से कैंसिल हुआ. माइनस 3y यहाँ पे माइनस 2y माइनस 5y इक्वल टू 10. ये माइनस 10 हुआ. माइनस 10 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये माइनस 6 आ गया. माइनस माइनस से कैंसिल हुआ, वाई इक्वल टू आ गया 6/5. ये वाई की वैल्यू आ गई. अब हम लोग किसी भी इक्वेशन में वाई की वैल्यू पुट करके एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. तो दोस्तों हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे आप राइट करोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. फर्स्ट इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5. एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, वाई की वैल्यू 6/5. एक्स प्लस 6/5 इक्वल टू 5. एक्स इक्वल टू होगा 5 माइनस 6/5. एक्स इक्वल टू अब यहाँ पे 5 जा 25. 25 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 5. एक्स इक्वल टू आपका आ गया 25 में से 6 को माइनस करोगे तो कितना आंसर आएगा, 19/5. तो इस तरह से एक्स की वैल्यू आ गई 19/5 एंड वाई की वैल्यू आ गई 6/5. तो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट मैक्सिमम. थैंक यू.